नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं लोग एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। हमेशा फर्टिलाइज़र के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, आज हम लोग बात करेंगे मिट्टी के या सिंडर में या किसी में भी आप जो प्लांट को लगाया है उसका पीएच के बारे में। तो पीएच मेंटेन करना हमेशा हम लोग का ज़रूरत रहता है। मैंने पीएच मेंटेन हमेशा करते रहता हूँ, लेकिन हम वीडियो पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो देख के जिस लोग प्लांट लगाया है या जैसा मैं ट्रीटमेंट बोलता हूँ वैसा ट्रीटमेंट करता है, तो ऐसा बहुत सारा दोस्तों है जिस लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से बोलते हैं। तो मुझे उस लोग का प्लांट को भी ठीक रखना मेरा एक जिम्मेदारी होता है, तो जिस कारण से मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो को लाया हूँ। देखिए दोस्तों, जिस लोग पुराना है उस लोग को तो मालूम है कि ये प्लांट मैंने लगभग 2 महीना पहले लगाया है तीनों, और जिस लोग नया है उस लोग को तो मालूम नहीं है कि मैं प्लांट को कैसा लगाया, क्या फर्टिलाइज़र देता हूँ। इसलिए आप लोग चैनल का पुराना वीडियो जाके आप लोग प्लीज़ देख सकते हैं, और अगर आप अपने चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए दोस्तों, रोज़ प्लांट उगाने के लिए सबसे पहला मेंटेन करना पड़ता है वो है पीएच बैलेंस। हम लोग अगर रोज़ प्लांट का पीएच को मेंटेन कर सकेंगे तो हम लोग का प्लांट में कोई दिक्कत आएगा नहीं, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, प्लांट मरेगा भी नहीं। मैक्सिमम जो प्लांट होता है वो प्लांट पीएच की वजह से ही मरता है, क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आता है, पीएच बिगड़ जाता है लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो भी फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, अलग अलग फर्टिलाइज़र डालते हैं। दोस्तों लोग का वीडियो देखते हैं, अरे ऐसा प्रॉब्लम हुआ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग और भी नया ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये तो हुआ पीएच का मैंने प्रॉब्लम, लेकिन आप या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझ नहीं सकते, हम लोग दूसरा दूसरा हमेशा फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो ऐसा मेरा साथ भी हुआ है पहले, लेकिन अभी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, तो मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ उसी के बारे में आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, रोज़ प्लांट का पीएच मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम लोग मेंटेन कैसा करके करेंगे इसी के बारे में आज का बात रहेगा। देखिए, एक नंबर है आपका जब पीएच का क्या है, मिट्टी का जो पीएच है या सिंडर का या किसी का भी, जब ये हाई हो जाता है तब क्या होता है, मिट्टी क्या है, अल्कलाइन हो जाता है। 7 से ऊपर चल जाने से अल्कलाइन जब हो जाता है तो मिट्टी में हम लोग जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे तो प्लांट क्या है, प्लांट को मिलता नहीं है वो फर्टिलाइज़र, तो प्लांट लेने भी नहीं सकता। तो प्लांट को हम लोग फालतू का हम लोग फर्टिलाइज़र दे के फर्टिलाइज़र का भी नष्ट करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र का प्राइस भी तो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को तो समझ में नहीं आता है पीएच बिगड़ गया, हम लोग फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, अरे प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, फ्लावर्स नहीं आता है, हम लोग फर्टिलाइज़र ऐसा करके ही डालते रहते हैं, तो भी कोई काम नहीं आता है। लेकिन हम लोग पीएच को मेंटेन कर सकेंगे तो हम लोग ये सब प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो चलिए देखिए, हम क्या ऐसा करके आप लोग को बताता हूँ। देखिए, मेरे पास तीनों मीडिया का प्लांट है, एक है सॉयल में, एक है सैंड में ओनली फॉर सैंड में है, और एक है सिंडर में। तो तीनों का ही हम लोग एक ही टाइप का ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन देखिए, सिंडर में क्या है, हफ्ता में एक बार आपको पीएच का मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन मिट्टी में क्या है, आप 10 दिन में 12 दिन में एक बार करने से भी चलेगा, और इसमें भी सेम 10 दिन 12 दिन में एक बार करने से चलेगा। लेकिन हम लोग को सिंडर में क्या है, सिंडर में तो पानी पकड़ के रखने नहीं सकता, फर्टिलाइज़र भी पकड़ के रखने नहीं सकता, जो कारण से हम लोग पीएच का लिए जो भी कुछ भी देंगे उसको भी वो पकड़ के रखने नहीं सकेंगे। इसलिए हम लोग को हफ्ता में एक बार करके इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत सारा दोस्तों को मालूम है क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारा नया नया जिस लोग रोज़ उगाते हैं उन लोगों को बहुत सारा चीज़ मालूम नहीं रहता है। लेकिन मैं छोटा छोटा बात हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ कि ऐसा करो ऐसा करो। तो चलिए दोस्तों, क्या करता हूँ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, ये है विनीगर, ये ईजिली मार्केट में मिल जाता है, ये किचन में काम आता है विनीगर को। तो ये क्या है, इसको मैंने दूंगा। तो देखिए, मुझे पीएच को बैलेंस करने के लिए दो चीज़ करना पड़ेगा, एक है हमको 6 से 7 का बीच में हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये इक्वली तो हम कभी भी मेंटेन करने सकेंगे, कोई भी नहीं सकेंगे, कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमको कोशिश करना पड़ेगा 6 से 7 का अंदर पीएच को रखने का। आपका पास पीएच मीटर नहीं है कोई बात नहीं है, आप क्या करेंगे, आपका जो लिप्स है लिप्स देख के आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लांट का पीएच बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ा है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पीएच मीटर खरीदने का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा खुद अपना आप समझ जाएंगे। देखिए, पीएच का जब लिप्स का कलर देख के आपको पता चल जाएगा, जब हल्का ग्रीन कलर का आ जाता है तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि मिट्टी का पीएच बिगड़ गया है, पीएच क्या यानी कि हाई हो चुका है, 7 से ऊपर चला गया है, तो उसको हमको कंट्रोल करके नीचे लाना है। क्योंकि हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं इसमें क्या होता है, पीएच कभी भी डाउन नहीं होता है, जब भी होता है तो आप ही होता है, तो इसको क्या है, हम लोग तभी क्या आयरन भी अलग से देते हैं,
माइक्रोन्यूट्रन भी अलग से स्प्रे करते हैं, रूट्स में देता है, तो भी हम लोग का काम नहीं आता है। क्यों काम नहीं आता है? क्योंकि हम लोग का तो मिट्टी का पीएच बिगड़ गया है ना, इसलिए काम नहीं आता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा मिट्टी का पीएच को बैलेंस रखने के लिए? एक चीज़ हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, इसमें आपको विनीगर को देना पड़ेगा। बहुत सारा दोस्तों फिटकरी को देता है, किस कोई जिस लोग बड़ा बड़ा रोजरियन है उस लोग क्या है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा सल्फ्यूरिक एसिड मत यूज़ कीजिए, आपका बस का बात है। आप अगर यूज़ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड मार्केट में ईजिली मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से लेके आना पड़ता है। एक दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा बहुत होने से भी घर में छोटा छोटा बच्चा रहता है, किसी किसी का पालतू जानवर रहता है, जिस लोगों का नुकसान हो सकता है, जिस कारण से मैं बोलूँगा सल्फ्यूरिक एसिड को अवॉइड कीजिए और विनीगर को यूज़ कीजिए। विनीगर को आप अगर कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो आपका कभी भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। किस लोगों का प्रॉब्लम आता है विनीगर यूज़ करने से? जिस लोग महीना में एक बार करते हैं, दो तीन महीना में एक बार करते हैं, उसी लोगों का प्रॉब्लम आता है। आप अगर कंटिन्यू आप लोग 10 दिन छोड़ छोड़ के विनीगर को मिट्टी में देते रहेंगे तो आपका कभी भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। हम लोग को एक ही चीज़ हम माइंड में रखना पड़ेगा, 6 से 7 का बीच में पीएच रखने के लिए हम लोग को लीव्स को हमेशा चेक करके रखना पड़ेगा। लीव्स अगर हरा रहेगा सुंदर रहेगा तो समझ जाएंगे आपका पीएच कभी बिगड़ा नहीं है, और आपका लीव्स अगर हल्का हो जाएगा हल्का ग्रीन कलर का आ जाएगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा आपका पीएच बिगड़ गया है। और अगर मान लीजिए डार्क हो गया एकदम, तो डार्क ग्रीन कलर हो जाने से भी आप समझ जाएंगे कि आपका पीएच डाउन हो चुका है, तब जाके आपको चूना देना पड़ेगा, लेकिन वो तो होता बहुत कम, तो उसका भी हम बात कभी करेंगे। अभी हम भी बैलेंस रखने के लिए जो बात कर रहा हूँ उसी का ही बात हम बोल रहा हूँ। देखिए हम लोग क्या है, इसमें बहुत सारा केमिकल देते रहते हैं, अलग अलग केमिकल का फर्टिलाइजर देते रहते हैं, जिस कारण से ये सब प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग को क्या करना है, देखिए मैंने एक पानी का बाल्टी लिया हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा, ये मेरा लगभग 1 लीटर का पानी का बोतल है, तो ये पानी का बोतल का 1 लीटर हिसाब से मैं इसी से ही मेंटेन कर लेता हूँ। तो इसी को मेंटेन करने के लिए मैं देखिए इसमें 1 लीटर पानी डाल देता हूँ। इससे मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने 1 लीटर डाला हूँ बोल के। देखिए इसमें 10 ml करीब मैंने विनीगर ले लिया हूँ, 1 लीटर पानी में मैंने डाल देता हूँ। डालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको तीनों पॉट में दे देंगे। तीनों पॉट में जब लोग दे देंगे उसका बाद वही उस दिन के लिए हम लोग कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें डालेंगे नहीं, नेक्स्ट दिन से हम लोग फिर फर्टिलाइज़र डालना चालू कर देंगे। तो देखिए मेरा तो हो चुका है काम, तो मुझे मालूम है इसमें कितना पानी देना पड़ता है। तो देखिए मैंने इसमें तो एक बार तीनों में एक एक बार करके दे देंगे, उसके बाद में कुछ देर तक वेट करेंगे। अगर मेरा पानी निकलना चालू हो गया पॉट के नीचे से तो हम दोबारा पानी नहीं डालेंगे, अगर नहीं निकला तो मैं फिर से पानी डाल देंगे। ऐसा करके आप लोग मेंटेन कीजिए, आपका प्लांट कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। और अगर दिक्कत आ गया तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर दूंगा। और दोस्तों और एक बात बताता हूँ, इसको देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 दिन का बाद हम लोग कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रन अच्छा कंपनी का जो रहता है उसको पूरा प्लांट को स्प्रे कर देंगे। कर देने से क्या होगा, मेरा जो आयरन का कमी प्लांट में था वो प्रॉब्लम हमको दिखेगा नहीं। देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, इसका तो निकल गया है, अभी ये दोनों का निकला नहीं है, लेकिन इसका भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे तो क्या होगा, इसका भी पानी निकल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा मिट्टी कितना सुंदर से बना हुआ है, मैं पानी डालने के साथ साथ देखिए टान लिया मेरा मिट्टी का पानी। तो ऐसा आप लोग भी मिट्टी बना के रखिए, आप लोगों का कभी भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।